हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पर करना चाहिए, मुद्दों पर करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के, व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। साथियों, व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। लेकिन आवाज आ रही है पीछे, आप लोगों को नहीं आ रही, इससे आ रही है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीव है उसको संयंत्रित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे ईश्वर के पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा है। और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटक नहीं देते हुए देखा, लेकिन मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटक नहीं दो तो ताली बजाते हैं। और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, जो पहले बोला वो बताऊंगा। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज मैं इस कॉलेज में आया हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं और मैं कोई मास्टर नहीं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इससे मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है इसका सदुपयोग करें, और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी, आपसे आने वाली आगे पीढ़ी आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित, संयमित, अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है, और आप सब जानते हो जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का,
मेरे विरोधियों का, जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो शब्द जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। और आने वाले समय में अब ऐसी इनका भाषा सुन रहा था भाई, इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा। जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव थे और मेरी माँ चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से, सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था, तो मंदिरों में जिप्सी नहीं आई थी गाड़ी में, तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी माँ बाहर जाके भाषण दी थी गांव के अंदर पेड़ के नीचे, तो वहाँ के सरपंच ने उसको पता पड़ गया कि रमापाली जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज़ दे के मुझे बुला लिया नाम देकर। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊँगा जरूर का बुरा मानेगा, तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में, तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया, बोला अब ये सचिन जी आपको दो बात बोलेंगे। मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा दे क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से दीवार पेंट वगैरह करते थे, तो मैं वहाँ देखने गया था। वहाँ उसने मन पर मेरे माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं, अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे का 1.5 या 1.25 मिनट भाषण दिया होगा और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ गया मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैंने ले दे के बोला, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पहला भाषण मैं 13 साल का था, मैंने वहाँ माइक पटका जोर से पकड़ गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना मैं आज के दिन इसको देखो, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय कौन दल करता है। भाई छूट है तो निर्दलीय मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जब 2013 में मुझे पहली बार 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे, आप जानते हो, आप तो बहुत छोटे थे। 2013 में हमारे सिर्फ 20 सांसद विधायक रह गए थे, तो हमने 5 साल का बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया। और उन पाँच सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि ना। संघर्ष में कोई कमी देखी? मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं, नारेबाजी मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और सिर्फ जवाब देना, मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग की हिम्मत से काम लो, आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले,
जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अगर विवाद होगा, कोई भी विरोध करेगा तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और सिर्फ छात्रों को नहीं, नौजवानों को, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो, सब व्हाट्सएप फेसबुक के सब घूमे हो, सब जानते हो, तो जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसको पहचानो, अच्छे बुरे में फर्क को समझो, अपने पराये के फर्क को समझो, जो आपके लिए संघर्ष करे, आपके साथ खड़ा रहे, आपके दुख दर्द में शामिल रहे, उसके कंधों को, बाहों को ताकत दो। और मैं प्रदेश भर में, देश में जहां भी जाता हूं ये बोलकर जाता हूं, अगर मुझे कम उम्र में मौके दिए थे, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कम उम्र में मौके दिए, मैं 26 साल का संसद में चला गया था, और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने जितने जी नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, तब उस वक्त मैंने 40% टिकट उन लोगों को दिए जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। और मुझे अवसर मिला अध्यक्ष बनने का, तो मैंने बहुत सारे नौजवानों को विधानसभा तक पहुंचने का एक मौका दिया। बाकी हार जीत भगवान कराता है, लेकिन मौका देने की बात होती है। अगर हम लोग, आप सब जो मंच पे आज खड़े हैं, जो आज को अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, विधायक है, पूर्व विधायक है, महापौर है, हम सबको मौके मिले, हमें दिल बड़ा रखना पड़ेगा, हमें अपने से कम उम्र के नौजवानों को मौका देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं तो सलाम करता हूँ, अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आपने देखा होगा, 42 साल की है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी 7-8 साल पहले। आज उसने, उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई रिपोर्ट छपी थी कि उनकी रेटिंग कम हो गई, तो एग्जाम में इस्तीफा दे रही हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, दुनिया का चर्चित चेहरा, 42 साल की उम्र, 8 साल पहले प्रधानमंत्री बन गई। जब लगा कि जनता में उनकी साख में रिपोर्ट आई कि पब्लिक रेटिंग होती है, ओपिनियन पोल, उसमें नंबर कम आ गए, उसने कल रात को टीवी पे कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं और अपनी पार्टी के लिए काम करूंगी। सोनिया गांधी जी ने कहा उदयपुर में, और सोनिया गांधी जी का मैं बहुत कायल हूं साथियों, जब वो अध्यक्ष थी 2004 में, हम जैसे 15-20 लोगों को बुलाया उन्होंने, दिल्ली बुलाया और टेबल बैठा के पूछा कि आप सब कम उम्र के लोगों, नौजवान होते हैं, 24-26 साल के लोगों, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, उस टाइम वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, किस मैनिफेस्टो में क्या लिखना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नौजवानों के अरमान क्या है, आपकी अपेक्षा क्या है, उम्मीदें क्या है, मुझे बताओ ताकि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखूं उन बातों को। ये सोच होती है लोगों को साथ लेने की। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो मंच पे बैठे हैं, खड़े हुए सब, हम सब बन बना गए, और हमें आप सबका सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का सोचना चाहिए, उनको हमारे अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए, हमने जो सही किया, जो गलत किया, उसका लाभ आपको मिले। अरे तुम क्यों ठोकर खाकर उठो भैया, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता निकलना है। ये होता है एक अगली पीढ़ी को संभालने का, सुझोने का, सहायता देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का भाव। उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज आप सब लोगों ने अभी देखा, मैंने आज गर्मी ज्यादा हो गई, ठंड के 3-4 दिनों में ये गर्मी ज्यादा हो गई, लेकिन आप सब नौजवान साथी हो, मैं आपको पुनः वादा करके जाता हूँ, हम सब राजनीति में जो लोग काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देकर जाता हूँ, आपकी हर जरूरत के लिए, हर वाजिब मांग के लिए, जो आपकी जरूरतें होंगी, आपकी वाजिब मांग होगी, और मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है, मेरी तमन्ना है कि आप सबके जीवन को कुछ बेहतर में बना सकूं, और जब जब मुझे मौका मिला मैंने करने की कोशिश की है, भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ था, हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से मैं अलग अलग जिलों में गया हूँ, और मैं किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुतों से संवाद किया, बहुत लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन सही में जितना मजा मुझे आज आया है, इतना मजा पहले मीटिंग में, मेरे साथ जोरदार नारा दो ताकि हमारी एकजुटता, और यहाँ जाति, बिरादरी, भाषा, सब बातों को भूल जाओ, जोरदार नारा दो ताकि पूरा देश हमारी बात को सुन सके, भारत माता की। वो मारा निकल गया, बोल रही है क्या?
बाहर आत्मा जागी। अंतिम नारा, आसमान में छेद होना चाहिए, बाहर आत्मा जागी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 25 साल पहले यूपी बिहार के अंदर जो जंगल राज हो रहा है, आज राजस्थान की वो स्थिति प्रशासन बनाने उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी में कोरोना आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना पार्टी में नहीं प्रदेश में आ गया है। तीन दौड़े एक किसान की हत्या कर दी जाती है, एक बेटी की गोद में वो अपना दम तोड़ देता है। ये दिन प्रतिदिन पर्चे लीक होते जा रहे हैं, पर्चे में बच्चा लीक होते जा रहा है। ये छात्र शक्ति, ये युवा शक्ति, ये अन्याय कब तक सहन करेगी? ये आदरणीय पहले साहब आपसे न्याय की गुहार लगाती है, आपसे न्याय की उम्मीद करने आज इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए एक उम्मीद लेके आए। इनके सपने पे, इनके भरोसे पे हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको खरा उतरना है। प्रदेश के युवा इस राजधानी के अंदर और इस प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में नौकरियों की तैयारियां करने के लिए आते हैं। गांव का अन्नदाता, ढाणी का अन्नदाता, खून पसीने से सींच के फसल को पकाता, तैयार करता, उसको बेच के अपने बेटे बेटियों का भविष्य देखता। जब आखिर के अंदर परिणाम आता है, क्या पर्चा लीक हो गया? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अपन लोगों के बीच में आके जो किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद मंत्री बनने के बाद, बड़े बड़े औहदों पे बैठने के बाद क्या करते हैं? अपने तुच्छ फायदे के लिए किसान परिवार के बेटे बेटियों का गला घोटने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ये युवा शक्ति ज्यादा दिन अन्याय से नहीं करेगी। ये तो कानून को और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए बैठे हैं। नहीं तो हम लोग सिंहासन पर बैठाना जानते हैं तो सिंहासन को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। यदि अपने साथ किसी प्रकार अन्याय सरकारें करती रही तो सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे। आदरणीय पायलट साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कभी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आते हैं, कभी मंत्री उद्घाटन करने आते हैं। इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इतनी छात्र शक्ति 200 विधानसभाओं से पूरे प्रदेश से आती है। छात्र शक्ति को क्या देके जाते हैं? सिर्फ एक भाषण देके चले जाते हैं, एक उम्मीद छोड़ के चले जाते हैं। भरोसा करते हैं हम लोग उनके वादों पे। आखिर में रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। कभी भाजपा आ जाएगी, कभी कांग्रेस आ जाएगी। ये हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। ये छात्र शक्ति और मैं कोई पार्टी और दल के गुलाम नहीं है। हम पहले ज्यादा आपसे उम्मीद लेके आए, हम आपसे उम्मीद लेके आए कि युवा शक्ति के साथ न्याय हो। एक आदरणीय पायलट साहब, मैं आपसे एक छोटी सी मांग करना चाहूंगा, इस प्रदेश के विश्वविद्यालय के लिए। ये देश और प्रदेश का बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी ख्याति नाम यूनिवर्सिटियों के बराबर एक सेंट प्रोग्राम के अंदर वहां के स्टूडेंट यहाँ पढ़ना है और यहाँ के स्टूडेंट वहां पढ़ने जाए। शिक्षा में नहीं, सामाजिक जीवन में भी ये छात्र शक्ति नए आयाम छुएगी। क्यों भाइयों, छुएंगे। इसके लिए आदरणीय पायलट साहब, हम लोग आपको, जहां आप लोग हमारे से उम्मीद करोगे, हम पूरी ताकत के साथ ये युवा शक्ति आपके साथ खड़ी रहेगी। आप जहां कहीं भी जाते हो,
बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं, ये युवा आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, बच्चे आपसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे हमारे को उम्मीद है, पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि इस युवा शक्ति का भविष्य सही दिशा में जाएगा। तो राष्ट्र, प्रदेश, गांव, पानी, सबका भविष्य उज्जवल होगा।